गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्कॉलरशिप स्टेटस कैसे चेक किया जाता है दोस्तों। तो यहां पर अगर दोस्तों आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, यानी कि आप जानना चाहते हैं आपका स्कॉलर क्यों नहीं आया, क्या उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, या आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, या और कोई इसमें दिक्कत है, तो कैसे चेक करेंगे अपने यूपी स्कॉलरशिप को। जो कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप बी ए बी एस सी बी कॉम के हैं तो मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा किस प्रकार से आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है यूपी स्कॉलरशिप। अब दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको पेज देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, अगर आप फ्रेश हो तो फ्रेश वाले पर लॉगिन करना है, अगर आप रिन्यूअल हैं तो रिन्यूअल पर आपको लॉगिन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो है फ्रेश रिन्यूअल है तो रिन्यूअल पर आपको लॉगिन करना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अगर बी ए बी एस सी का चेक करना चाहते हैं तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन, इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी दस्तावेज मांग रहा है उनको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। इतना कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन कोड डाल लेना है। अगर आपको वेरिफिकेशन कोड नहीं मालूम है तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो एक पहले से बना के रखी, वो जा कर के आप हमारी चैनल पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन कोड कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमें कैप्चा फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कैप्चा फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कैप्चा भी फिल कर दिया है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो भी स्टेप हैं वो यहाँ पर पूरे पूरे मालूम पड़ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करंट में अपना स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको थ्री लाइन देखने को मिल रही है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर चेक करंट स्टेटस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो फाइनल सबमिशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लेवल फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड मेरा जो हुआ था वो 14/11/2022 को हुआ था, और पेंडिंग एंड डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो दोस्तों यहाँ से वेरीफाई हो चुका है डिस्ट्रिक्ट से वेलफेयर ऑफ द ऑफिस, तो यहाँ पर पेंडिंग में पड़ा हुआ है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने बी ए बी सी बी कॉम का जो है स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।